अस्सलाम वालेकुम. बहुत प्यारा शो था. इट्स बीन पुट विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. नज़र आ रहा है कि काफ़ी तवील अरसे से ये लोग जमा करें तस्वीरें और फिर यहाँ पे जो काम नज़र आ रहा है उसमें इनकरेजमेंट भी मिल रही है और ऐसा मौजू छेड़ा है जो कि हमारे फ़िलहाल की जो ज़िंदगी है कराची उससे बहुत प्यारी सी नस्बत है और एब्स्ट्रैक्ट तरीके से काम दिखाया गया है और रियल लाइफ इशूज़ में दिखाया गया. मगर सबसे प्यारी तस्वीरें मुझे वो लगी हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को तख्लीक में ही दिखाएं. मसलन वहाँ पे एक साहब अपने चेहरे पे पानी डाल रहे हैं और उसमें वाज़े तौर पे गर्मी का असर, फिर एक बच्चा पानी के साथ मूड हो रहा है और फिर यहाँ पे एक और एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है. सो मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी की ज़रूरत और उसकी अहमियत को दिखाया है. एंड मुझे सारी तस्वीरें पसंद आई. बट ज़ाहिर है तस्वीर को चुनने के लिए ये होता है कि हम एक चीज़ को बार बार देखते हैं और जो चीज़ आपके दिमाग पे असर करती है वो होती है जिसको बार बार देखने के बावजूद उससे इंसान थकता नहीं है. तो इस लिहाज से जो तस्वीरें पसंद की हैं, आई होप द अदर जजेस मेक अ गुड चॉइस एज वेल. मुझे जो पसंद आई मैंने वो बता दी. थैंक यू सो मच. We are at Art Chowk Gallery और मैंने अभी जजिंग की है इस बहुत ही ज़बरदस्त फोटोग्राफी एग्जिबिशन के लिए. पानी है ज़िंदगी और पानी ऑनेस्टली हमारी ज़िंदगी है बिकॉज जब ख़त्म हो जाएगी फिर पता चलेगी कि ज़िंदगी है या नहीं. पाशा इज़ द एक्सपर्ट टू टेल यू वेदर यू नो वॉट हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर इज़ और वो पौधे उगाते हैं उनकी फार्म के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, पर हम सब की ज़िंदगी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. सो द एग्जिबिशन हैज़ फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान पीपल हैव कम एंड गिवन देयर वर्क एंड इट्स रियली वंडरफुल टू सी सो मच ब्रिलियंट वर्क एंड माशाल्लाह कीप डूइंग दिस एंड यू नो बी वेरी वेरी ऑफ हाउ यू यूज़ वाटर एंड इंशाल्लाह वील सर्वाइव. पानी ज़िंदगी है और इस पूरी दुनिया में पानी का मसला खड़ा हुआ है. पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मैटर है. अगर हम पानी की तरफ तवज्जो ना दें तो फ्यूचर में सबसे बड़ा बहरान पाकिस्तान को जो डील करना पड़ेगा वो पानी की कमी है. ऑलरेडी फील हो रही है और जब पानी की कमी होगी तो खुराक की कमी होगी. शहरों में लोगों को इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है. गाँव में जहाँ पर है वो इतना गंदा है, इतना अनहेल्दी है. शहरों में जहाँ से लोग डिब्बे बाल्टियाँ भर भर के पानी लेकर आते हैं, अगर आप उस पानी का रंग देखें तो आप उस पानी को पिएंगे नहीं, आप उससे हाथ नहीं धोएंगे, उस पानी को आप किक मार के डिब्बे को गिरा देंगे. पीने के लिए पानी, फसलें उगाने के लिए पानी, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है. द आइडिया वॉज कि हम इस बात पर लोगों को अटेंशन ड्रॉ करें और ज़्यादातर यूथ को हम मोटिवेट करें और इंगेज करें. आर्ट चौक के साथ में मिलके मैंने ये आर्ट कंपटीशन इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेरे साथ दिया, ऑर्गेनाइज हुआ ये फोटोग्राफी कंपटीशन. हमने उसके लिए फ़ोटोग्राफ्स की, इन्होंने कॉल दी, हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स आए, हमने उनमें से शॉर्टलिस्ट की. आज हमने उसमें से एक विनर, एक सेकेंड वन और एक थर्ड रनर अप हमने सेलेक्ट किया है. इंशाल्लाह ये परसों ओपन होगा टू पब्लिक, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी. मैं चाहूँगा कि आप देखें और सिर्फ इसे ना देखें लेकिन पानी को और हमारे पूरे माहौल को आंखें खोल के देखें, दिल खोल के देखें, दिमाग खोल के देखें. रियलाइज़ करें कि हम सब
उसको खराब करने में कोई ना कोई रोल खेलते हैं. हमें हमारी लाइफस्टाइल, हमारा तरीका जिंदगी बदलने की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच.